मैं जब यहाँ से गुजरा तब भी अकल में पड़ रहा था, अब जब 3 घंटे बाद वापस आया हूँ तब भी अकल में पड़ रहा है। क्या वजह हो सकती है? चलो जाके पूछता हूँ इससे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। अरे भाई, तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन एक बात तो बताओ, जब मैं यहाँ से गुजरा था तब भी अकल में पड़ रहे थे, पर अब जब 3 घंटे बाद वापस जा रहा हूँ तब भी अकल में पड़ रहे हो। ये काम तो आप घर भी कर सकते हो। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊं? जी भाई, क्यों नहीं बताएं? ऐसी क्या वजह है जो आप मुसलसल कल में पढ़ रहे हैं? ये कहानी मेरे वाली साहब की है। जो तूने पैसे लिए ना, वो मुझे आज की डेट में वापस चाहिए। और कान खोल के सुन लो, सूद समेत और सूद समेत ही लूंगा। तू इधर बैठने के लिए या काम करने के लिए आया? और जो तूने माँ के इलाज के लिए मेरे से पैसे लिए हैं, याद रख, तुझे इधर काम करके सू समेत उतारने होंगे। चल काम कर। लूंगा तेरे से। अबू क्या हुआ? उठो। सूद। यही वजह है जो मैं अपनी आदत में कलमे को ला रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं समझ गया। आप नहीं चाहते कि आपकी भी आदत आपके वाली जैसी हो, आप चाहते हो कि मौत के टाइम आपको कलमा नसीब हो। जी भाई, क्योंकि दुनिया में जो शख्स जिस चीज में डूबा रहता है उसे मौत के टाइम उन्हीं चीजों का ख्याल आता है, इसलिए मैं भी अपनी आदत में कलमे को ला रहा हूँ ताकि जब मेरी मौत हो तो मुझे कम से कम कलमा तो नसीब हो। बेशक दुनियादारी एक तरफ, लेकिन हम सबको हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र अदा करते रहना चाहिए ताकि कल को जब हमारा टाइम नज़दीक आए तो कम से कम हमें कलमा तो नसीब हो। वीडियो को सदके के तौर पे आगे शेयर जरूर कीजिएगा।